ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला कोसा नगर द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू की 76वीं पुण्यतिथि पर नेहरू भवन सुपेला में भारत के विकास में नेहरू जी योगदान विषय पर विचार गोष्ठी कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। लाने के लिए हमारे देश ने एक एक रानी ने जो अदम्य साहस दिखाया था, चाहे दांडी यात्रा में पूरी महिलाएं निकल के आ गई, चाहे नमक छोड़ो आंदोलन में सारे परिवारों सहित लोग अपने घर से बाहर आ गए। आज आवश्यकता है हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने की, आज आवश्यकता है यदि केंद्र सरकार गलत काम कर रही है तो उसको कमजोर कर रही है, आज आवश्यकता है हमारी राजनीति को बचाने की, आज आवश्यकता है हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को उनके हाथों में काम देने की, आज आवश्यकता है दलितों पिछड़ों और गरीबों को लाभ दिलाने की, आज आवश्यकता पे ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने की थी भारत को जोड़ने का प्रयास आपने देखा होगा, कर्नाटका से जो शुरू हुई थी वो 13 जिलों में जाती हुई निकली थी, वहाँ के लोगों ने विश्वास किया, वहाँ आपने देखा होगा कई बड़े नेताओं को ईडी ने परेशान किया, कई सीबीआई छापे पड़े, आप लोग सब लोग पेपर पढ़ते हैं मीडिया को जानते हैं, उसके बावजूद वहाँ के लोगों ने कांग्रेस की नीति पे विश्वास किया, वहाँ के लोगों ने कांग्रेस की कार्यशैली पे विश्वास किया कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, कांग्रेस एक न्याय की सरकार देती है, कांग्रेस एक भरोसे की सरकार देती है, इसीलिए हम जहाँ रहते हैं वहाँ छत्तीसगढ़ के वासी कहते हैं कि देश है तो भरोसा है, छत्तीसगढ़ के रहते हैं लोग कहते हैं यहाँ के किसान समृद्ध हैं, शहर की महिलाएं शहर के युवा खुश हैं, खुशहाल छत्तीसगढ़ की परिकल्पना इस प्रकार हमने साकार की, यही पूरे राष्ट्र में छत्तीसगढ़ मॉडल व्याप्त हो और 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बन सके, ऐसा संकल्प के मन में हो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आप सब मेरे वरिष्ठ